कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है स्किन वाइटनिंग रेमेडी, जो कि बहुत ही खास है। इसे लगाने से आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा शाइन आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे स्किन के ऊपर जो भी डेड स्किन है उसे निकालने में हेल्प करता है चावल का आटा, जो कि दरदरा करके आप घर पे भी पीस सकते हैं। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस आटे को हम क्यों मार्केट से खरीदें जब हमारे घर में चावल है तो हम बारीकी से घर में ही पीस सकते हैं। इससे आपकी स्किन पे एक निखार आ जाएगा, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। स्किन वाइटनिंग जो ये रेमेडी है इसे आप यूज़ कीजिए। अगर आप थक चुके हैं तरह तरह की रेमेडी लगा के आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये इतना बेनिफिशियल है कि अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही खास मिलेगा। ये 100% काम करता है, इसका यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एक बाउल ले लेना है। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, तो ये साफ सुथरा बाउल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ चावल का आटा, जो कि हम सबके घर में होता है, और मैंने आपसे बोला कि आप घर पे ही पीस सकते हैं। तो मैंने अपने घर में जो चावल है उनको मैंने बारीक पीस लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच चावल का आटा लिया है। जब चावल हमारे चेहरे पे जब हम दरदरा करके, ये स्क्रब का भी काम करता है, दरदरा करके जब पीस लेते हैं तो चेहरे पे जैसे ही आप लगाएंगे तो ये डेड स्किन को भी निकाल देगा और आपके स्किन पे एक ग्लो और शाइन ला देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक चम्मच मलाई। मलाई आपको ताज़ा दूध की लेनी है, और घर के अंदर हमारे मलाई होती है वो हमें ले लेनी है। उसके बाद जब आप मलाई ले लें उसके बाद आपको लेनी है टमाटर। फ्रेंड्स, टमाटर जो है हमारे चेहरे पे ब्लीच का काम करता है, हमारे चेहरे पे एक निखार ला देता है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में जब आप ब्लीच कराएंगे तो आपके चेहरे पे कितना साइड इफ़ेक्ट होगा आपके, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी होता है और आपके चेहरे पे जो टैनिंग है उसे भी हटा के, दाग धब्बों को हटा के खूबसूरत बनाता है। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है छोटा सा, उसका जूस निकाल लेना है। तो आपको जूस निकाल के इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे टमाटर ले रही हूँ, और टमाटर को आप अच्छे से, मैं इसी तरह जूस निकाल, आप चाहें तो मिक्सी के अंदर भी जूस निकाल सकते हैं, तो मैं इस तरह से टमाटर का जूस निकाल रही हूँ। उसके बाद इस रेमेडी के अंदर आपको इस टमाटर के जूस को मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से 2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर टमाटर का जूस लिया है। तो इस तरह से आप टमाटर का जूस जो है इसमें मिक्स कर दीजिए, अच्छे से इन सबको मिक्स करना है आपको। तो सबसे पहले आप टमाटर का जूस जो है वो लेने के बाद आप अच्छे से इसके अंदर सबको मिक्स कर लेना है। जूस के अंदर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो ये क्रीम की तरह बन जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्रीम बन चुकी है। इससे आप जब लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा, आपके चेहरे पे एक शाइन आ जाएगी, निखार आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद या तो आप नहाने से पहले इसे लगाएं या फिर सोने से पहले, क्योंकि जब हम नहाने से पहले लगाते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। तो आप जब नहाने जाएं तो 1 घंटे पहले इसे लगा लीजिए। थोड़ा सा आपको लेना है और अच्छे से पूरे फेस पे इसे मसाज करते हुए लगा लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको 5 मिनट तक मसाज करनी है। जब आप मसाज करेंगे तो आप खुद देख पाएंगे आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगी, और आपके अगर कील हैं, आपके कील मुहासे जो होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, लगा के आपको सिर्फ 5 मिनट तक रखना है, अपने चेहरे पर 5 मिनट लगा के छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपने फेस को गुनगुने पानी से धो लेना है। जब आप नहाने जाए तो अच्छा है कि आप नहाने जा रहे हैं तो आप अपने फेस को धो लेंगे, और इसे लगाने से पहले प्लीज़ आप, मैं यही कहना चाहूँगी, फेस वॉश से पहले अच्छे से चेहरे को धोइए, उसके बाद इसे लगाइए, ताकि ये रेमेडी आपके चेहरे पे काम करे, एक शाइन आ जाएगी आपके चेहरे पर, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो इस तरह से 5 मिनट तक मसाज करके आपको रखना है। उसके बाद ठंडे पानी से जब आप नहाने जाएँ तो धो लीजिए, चाहे सोने से पहले अच्छे से धो लीजिए, इस तरह से इसे लगा लीजिए। बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत ही आसान है, घर में ही हमारे सारे रेमेडी जो है मैंने आज बताई है वो सब घर में ही है, कहीं आपको मार्केट नहीं जाना है, घर के अंदर है, उसी को यूज़ करना है।
बहुत अच्छा निखार चाहिए तो प्लीज़ इस रेमेडी को यूज़ कीजिए, रिजल्ट अच्छा आएगा, आपकी स्किन पे एक बहुत ही अच्छी शाइन और चमक आ जाएगी। तो इसे आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 3 बार यूज़ कर लीजिए, इसे ज़्यादा नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।